डभोई भारतीय जनता पार्टी द्वारा चैत्री नवरात्रिना छेल्ला दिवसे आजादी का अमृत महोत्सवनी उजवणीना भाग रूपे उनाडामां पक्षीओ माटे कुंडानुं वितरण करवामां आव्युं हतुं। साथे भव्य बाइक रेली तालुका अने शहर युवा मोर्चाना उपक्रमे योजवामां आवी आ रेलीनुं प्रस्थापन धारासभ्य शैलेषभाई मेहताना वडद हस्ते करवामां आव्युं हतुं। बाइक रेली नगरना विविध मार्गोए फरी धारासभ्य कार्यालय पूर्ण थई हती। समग्र राज्य में बीजेपी सरकार आजादी का अमृत महोत्सव की उजवणी करी रही है, त्यारे डभोई खाते चैत्री नवरात्रिना छेल्ला दिवसे मां घट भवानीना दर्शन करी डभोईना धारासभ्य शैलेषभाई मेहता द्वारा पक्षीओ माटे उनाडामां पाणी अने चण आपता लोको थाय ते माटे कुंडानो वितरण करवामां आव्युं हतुं। त्यारबाद शहर अने तालुका भाजप युवा मोर्चा द्वारा आयोजित बाइक रेली हीरा भागोड़थी प्रस्थान करावियुं हतुं। आ प्रसंगे धारासभ्य शैलेषभाई मेहता पण बाइक रेली में जोड़ाया था। तो वडोदरा जिल्लाना महामंत्री डॉक्टर विजय ब्रह्मभट्ट, प्रदेश कारोबारी सभ्य शशिकांत भाई पटेल, शिक्षण समिति चेयरमैन वकील अश्विन भाई पटेल, शहर प्रमुख डॉक्टर संदीप शाह, युवा मोर्चाना आकाश पंड्या, प्रेमल पटेल तेमज पालिका कारोबारी चेयरमैन निकल शाह, उप प्रमुख एम एच पटेल, महिला मोर्चाना सुकीर्तिबेन सहित अमित भाई सोलंकी युवा मोर्चा टीम ने भारतीय जनता पार्टी ना कार्यकरो मोटी संख्या में बाइक रेली में जोड़ाया था। आ रेली हीरा भागोड गठ भवानी मंदिर थी निकली कन्याशाला टावर बजार वडोदरी भागोड डेपो थी भाजप कार्यालय में संपूर्ण थी हती। रिपोर्टर विकास चतुर्वेदी, बीएनएस गुजराती, डभोई। भारत देश ने आजादी 75 वर्ष पूरा थी रहा है, त्यारे आजादी का अमृत महोत्सव सरकार द्वारा पण अने भारतीय जनता पक्ष द्वारा पण अनेकविध कार्यक्रमों आयोजन करवामां आव्युं छे। एना भागरूप देश में समग्र गुजरात में युवा मोर्चा द्वारा बाइक रेलीओनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। एना भागरूप आज डभोई डुंबावती नगरी खाते डभोईना युवानों द्वारा भारतीय जनता पक्षना युवा मोर्चा ने आगेवानी हेठ आ बाइक रेलीनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। अने लोकोमां अनेरो उत्साह छे अने उत्साहना भागरूप मोटी संख्या में युवानोमां जोड़ाया छे। साथे साथे ज अमारा प्रदेश अध्यक्षनुं जे सपनुं छे 182 માંથી 182 વિધાનસભાની સીટો હાંસલ કરવું એ પૂરો કરવા માટેનો ધનઘનાટ પણ યુવાનોમાં દેખાઈ રહ્યો છે, અને એના જ એક ભાગરૂપ ડભોઈ નગર ભારતીય જનતા પક્ષ દ્વારા આજે પક્ષીઓને અત્યારની જે ગરમી છે એને અનુલક્ષીને પક્ષીઓ માટે પાણીના કુંડાનું પણ વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે કે જેથી આ ગરમીમાં માણસોને તકલીફ પડતી હોય તો પક્ષીઓની શું હાલત થશે એ જોઈને જીવ દયાના ભાગરૂપ આજે પક્ષીઓ માટે કુંડાનું પણ વિતરણ કરવામાં આવ્યું। બીએનએસ ગુજરાતીની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક પેજને લાઇક કરો, ઇન્સ્ટાગ્રામને ફોલો કરો અને આપના મનગમતા સમાચાર વધુમાં વધુ શેર કરો।